ये जन जन का राम जो है, मेरे हिसाब से ये कन कन का राम है। कन कन का मैं इसके लिए कहूंगा क्योंकि ये सारी सृष्टि एक हवन है, जो कि महाविष्णु जो लेटे हुए हैं उनकी नाभि के इर्द गिर्द सारी सृष्टि घूमती है, और हर कण में एक 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 रिदम है, एक नटराज है। जैसे कि आप एक मॉलिक्यूल देखते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन होता है। आप सपोजिंग एक मर्कुरी या पारा का देखेंगे तो जहाँ पे भी पारा का मॉलिक्यूल होगा वो उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैसे ही उसमें नटराज का नृत्य चलता होगा। तो ये सारी सृष्टि एक रिदम से चलती है और वो रिदम है कण कण में राम। मैं तो कहता हूं ये भाग्य जो मुझे और मेरे पुत्र शिव को मिला है, ये आप लोगों की कृपा से मिला है। ये कृपा हम पे बनाई रखिएगा। और सबके लिए मैं एक चीज कह सकता हूँ, ऐसे ही दिल में आता है, हर पुत्र का पुत्र धर्म होता है कि उसके पिता जो कर गए हैं उसकी रोशनी, उसकी उसकी ज्योत आगे लेके जाए। एंड पितृ ऋण चुकाए ना चुके, ये तो ऋण भी होता है। ऋण सिर्फ मनुष्य के, जब पिता के जब माता के नहीं होता है, ऋण पंछियों के लिए भी होता है, ऋण वायु के लिए भी होता है, ऋण आकाश के लिए भी होता है, ऋण पांचों तत्वों के लिए भी होता है। ऋण तो आप चुका ही नहीं सकते। रामानंद सागर लहराएगा, हर घर में लहराएगा, हर व्यक्ति में लहराएगा, हर देश में लहराएगा, सारे विश्व ब्रह्मांड में लहराएगा।